किसी भी एग्जाम का मोड जहां ऑनलाइन होगा जहां ऑफलाइन होगा। बेशक के इंडियन गवर्नमेंट और 2020 पॉलिसी कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन एग्जाम हो, लेकिन जैसे सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आ गया है, एंट्रेंस टेस्ट सभी ऑफलाइन होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट सभी ऑफलाइन होते हैं, स्टेट द्वारा लिए गए सभी टेस्ट ऑफलाइन होते हैं। जब ये ऑफलाइन टेस्ट होते हैं तो आपको ये ओएमआर शीट फिल करके रिस्पांस देने होते हैं। ओएमआर शीट को फिल करना ही कंप्यूटर के जरिए जिसकी इवैल्यूएशन होती है, आप किसी बुकलेट जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है उस पर रिस्पांस लगाओगे तो नहीं चलेगा। तो इसको फिल करने के लिए खास इंस्ट्रक्शन होती हैं। इंस्ट्रक्शन में मेन इंस्ट्रक्शन होती है कि इन बबल को फिल करने के लिए कौन सा पेन यूज किया जाए, उसका कलर कौन सा हो। तो ये डिफरेंट, नॉर्मली ये कलर रेड नहीं होता, यहां मेरे पास चलो ब्लैक पेन नहीं है, जो ये नॉर्मली ब्लैक होता है, यहां मैं ब्लू से फिल करके बता रहा हूं। अब मैं इसको फिल कर रहा हूं, ऐसे ही आपने एक से शुरू होके क्वेश्चन को रीड करना है, बुकलेट से क्वेश्चन से रीड किया, रीड करने के बाद बेस्ट आंसर सोचा, डिसाइड करने के बाद आप फिल करते हो। वो फिल करने के तरीके कौन से हैं वो डिफरेंट वीडियो में बताएंगे। उसको फिल करने को ये टाइम लगता है, कारण क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शन होती है कि पेन जो है बहुत ज्यादा बाहर ऐसे नहीं आना चाहिए और बीच में से खुला ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और नीटली डार्कली ये फिल होना चाहिए। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि पेन कौन सा हो। तो रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पर डिफरेंट पेन सुजेस्ट किए जाते हैं, वो बेस्ट पेन आपके सामने ये बताने जा रहा हूं। नॉर्मली सुजेशन ये होता है आपका जो एग्जाम है उसमें कि ओएमआर शीट को फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। हर हालत में आपने एग्जाम की इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। यहां पर वो हो सकता है आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन कहें या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कहें। नॉर्मली मैक्सिमम जो स्कैनर है उठाता वो ब्लैक पेन के लिए सेट, ये नहीं है कि ये नहीं उठाता, तो इसके लिए ज्यादा सेट किया होता है। तो ब्लैक और बाल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाल का कंपैरिजन जेल से है और कंपैरिजन में क्या है कि जेल पेन एज कंपेयर टू बॉल पेन ओएमआर शीट के बबल को फिल करने के लिए टाइम ज्यादा लेता है। अगर ये टाइम ज्यादा लेता है तो इट मींस आप 2-3-4 क्वेश्चन पर जो सोच सकते थे वो पेन ही एक खा गया। तो यहां पर आगे क्वेश्चन ये है कि बाल पेन अगर लेना है, ब्लैक पेन लेना है या बाल ब्लू पेन लेना है तो कौन सा लेना है। तो जो मैक्सिमम सुजेस्ट किए जाते हैं वो पेन, उनमें से टॉप रैंक के मैंने तीन ये निकाले हैं, रोरिटो फेंटा फ्लो बाल पेन ब्लैक, अगर ब्लैक है ब्लू भी मिल जाता है, रोनॉल्ड्स लिको फ्लो ब्लैक बाल पेन, सीलो बटरफ्लो बाल ब्लैक पेन। इनको रैंक अनुसार मैंने यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा है। ये मेरा कोई एक्सपीरियंस या रिसर्च नहीं है और ना ही मैं कहूंगा कि मैं जो कहता हूं वो अप्लाई करना है। नॉर्मली जो लोग इसको सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन का जवाब देना है, जब 150 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो पहले वाला इस रैंक पर इसलिए रखा गया है, तो जब 150 क्वेश्चन का जवाब देना है वो मानते हैं कि कम से कम एक या दो मिनट बच जाते हैं, वो तो 2 मिनट तक कहते हैं बच जाते हैं जब कंपेयर करते हैं सेकंड पेन से, जब इसको थर्ड पेन से कंपेयर करते हैं। तो टॉप रैंक पर ये रखे जाते हैं, मतलब के मान लीजिए अगर ये पेन जो है सीलो ये 2 मिनट या 1 मिनट इससे ज्यादा खाता है और रेनॉल्ड वाला 1 या 2 मिनट इससे ज्यादा खाता है 150 बबल को फिल करने के लिए या 200 बबल को फिल करने के लिए। पर इसके अलावा आपने बबल नीटली भी फिल करना है, ऐसे स्याही ज्यादा तो नहीं फैलाते और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये वीडियो इसलिए है कि आप ऐसे बबल फिल कर सको और 150 40 मिनट
तक पहुंचे तो इसकी इंक जो है लीक करनी शुरू हो गई, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। दैट इज वाई सुजेशन क्या है, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था जब एनलाइटमेंट उनको हो गई थी, उन्होंने कहा था अपने शिष्य को भी कहा था कि मैंने इस मेथड से एनलाइटमेंट प्राप्त की है, इस मेथड को आप अप्लाई करो, मैं ऐसा नहीं कहता लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट करो, अगर आपको फिर फायदा होगा तो ये अपना लेना, अगर फायदा होगा तो मत, फायदा नहीं होगा तो मत अपनाना। दैट इज वाई मैं सुजेस्ट करता हूं आप पेपर होने से, एग्जाम से पहले इनको ट्राई जरूर करें। ट्राई करके ट्राई कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल पेन नंबर 1 से 10 बबल एक टाइम में फिल करके देखो और बाकी प्रॉब्लम भी देखो कि कितनी स्याही फैलती है, नहीं फैलती, डार्कनेस कितनी है। पेन नंबर 2 से 10 करके देखो, कलर इसलिए नहीं बदल रहा कि कलर वहां बदलना है, कलर जो सुजेस्टेड होगा वही यूज करना है, है ना। आप ऐसा करके देखो, आप ये देखना कि कितने सेकंड में आप फिल कर लेते हो, और अगर आपको लगता है कि तीनों पेन में कोई डिफरेंस टाइम का नहीं है लेकिन नीटनेस का या कोई और डिफरेंस है, उसके बाद आप इन तीन पेन में से एक पेन को चूज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम आपकी ये होगी कि ये प्राइमर शीट आपके पास नहीं होगी, तो वो चैनल आप जानते हो लर्न टू एक्चुअलाइज टेलीग्राम पर, मैं ये शीट्स ओएमआर डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके इन पेन को लाके एक बार ट्राई करके देखो कि कौन सा पेन बेटर है, तो आपके लिए बेस्ट, आपका एक्सपीरियंस जो बेस्ट कहता है इनमें से एक, उसके कम से कम दो पेन जरूर एग्जाम में लेके जाओ, तीन भी ले जा सकते हो, 2 से 3 पेन जरूर लेके जाओ जो आपको बेस्ट लगता है। अगर कंफ्यूजन है तो 2 डिफरेंट भी ले जा सकते हो, और एक एग्जाम में जो एक्सपीरियंस होता है उस पेन का, उसको नोट करो रिफ्लेक्शन लॉग बुक पर, और नेक्स्ट टाइम जो बेस्ट पेन आपको लगता है वो यूज करो। इसके अलावा और वीडियो है, नीचे लिंक दिए गए होंगे कि बबल को फिल कैसे करना है, बबल को फिल कैसे करना है, कितने तरीके हैं। दूसरा वीडियो होगा कि कौन सी अप्रोच, पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज करना है, इरेजर यूज करना है, कैसे होना है, क्या हमने लगातार जो है क्वेश्चन ठीक किया एक तो और इसको फिल कर दिया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा और ठीक पता चल गया ये वाला आंसर है उसको फिल कर दिया, कि जहां पहले उसको कॉपी पर ऐसे जो है बुकलेट पे है यहां पर टिक लगाने हैं और फिर बाद में इसको फिल करना है, जहां पार्शली करना है, यूनिट वाइज करना है, टाइम डिवाइड करके करना है, 4 अप्रोचेज है, तो इसके लिए डिफरेंट वीडियो होगा। एनटीए ने इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, दी है, इस पर डिफरेंट वीडियो होगा। जब नेगेटिव मार्किंग है तो ओएमआर कैसे फिल करनी है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग है, तो ओएमआर कैसे फिल करनी है, इस पर भी वीडियो होगा। ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार, हम पहले फॉर एग्जांपल 4 नंबर क्वेश्चन था, मुझे 2 लगा कि ये ठीक है, या बी ए बी सी डी यहां भी हो सकते हैं, वो लगा ठीक है, मैंने फिल कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे इसका हिंट मिल गया और मुझे लगा नहीं यार इसका 3 ठीक था, तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो क्या करना चाहिए, अब 2 आप फिल करोगे तो ये क्वेश्चन गया। दैट इज वाई ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ऑन ओएमआर शीट बिफोर एग्जाम इज एसेंशियल। इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।